600 साल गुलाम रहा 1947 में हमें आजादी मिला। उस समय से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान गुलामी रहा, कई लोगों का गुलाम रहा। उसके बाद आज तक पूर्ण रूप से, जैसे कि कुछ लोगों ने अभी शेयर किया, आप पूरे आजाद नहीं होंगे, क्योंकि हमारा देश में सभी लोग वैभवशाली बने, सभी लोग शक्तिशाली बने, सभी लोग का कल्याण। आप गुफ्तगू कर रहे थे, फरहत साहब की बहुत सारे गुफ्तगू से इत्तेफाक भी किया जा सकता है और बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। खासतौर पर आपने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद ही भारत गुलाम रहा या बाहर के लोगों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने और उससे पहले की जो हुकूमत थी, खान मामले कहते गुलामा हो, खिलजी दौर हो, अलाउद्दीन का दौर हो, लोधी सल्तनत हो, मुगलिया सल्तनत हो, जमीन आसमान का फर्क है। अंग्रेजों का शासन बराह रास्त बरतानिया से हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बरतानिया ने भेजा था और हिंदुस्तान के पैसे से बरतानिया की तरक्की हो रही थी। हिंदुस्तान में बंगाल या कहीं भी अंग्रेज टैक्स लेते थे यहाँ के लोगों से, उसी से सामान खरीदते थे और अपना अपनी वो तरक्की कर रहे थे। मोगल बाहर से आए या उससे पहले के लोग, लेकिन उन्होंने यहाँ हुकूमत की और यहाँ की तरक्की से, यहाँ से टैक्स लेकर के उन्होंने वहीं का विकास किया, यहीं की तरक्की की, वो बाहर कहीं और नहीं गए। हिंदुस्तान के निज़ाम मुगलिया सल्तनत ने या कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जितने लोग आए काबुल से या सऊदी से या इस्तांबुल से या दुनिया के किसी और खत्ते से नहीं हो रहा था, तो दोनों के निजाम में जमीन और आसमान का फर्क है। आज ही मैं तारीख देख रहा था, अंग्रेजों के जमाने में किसानों से 60% टैक्स लिया जाता था और मुगलिया दौर में सिर्फ 20%। जब कहत आता था तो अंग्रेजों के जमाने में चीजों को और महंगा कर दिया जाता था और मुगलिया सल्तनत के उससे पहले के अहद में सस्ता किया जाता था, कई मरतबा बादशाहत की तरफ से फ्री में मदद की जाती थी। मुगलिया से पहले का जो भी अहद रहा है उसमें जितने मिनिस्टर, वज़रा, फौजी अफसरान सारे इंडियन ही होते थे, राजपूत होते थे, ठाकुर होते थे, दूसरे होते थे, कोई बाहर के नहीं होते थे। लेकिन अंग्रेजों की फौज में सारे अफसरान बाहर के होते थे, सिर्फ जो फौजी होते थे या चौथे पांचवें दर्जे के जो मुलाजिम वो सिर्फ इंडियंस होते थे, सारे के सारे बाहर के होते थे और इंडिया से चीजों को लेकर वो जाते थे। अब तारीफ देखिए, औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान की मईशत उतनी ही मजबूत थी जितना आज अमरीका है, हिंदुस्तान की फौज उतनी ही ताकतवर थी जितना आज अमरीका की ताकत है, लेकिन अंग्रेज के जमाने में हिंदुस्तान कमजोर होता गया, मईशत कम होती चली गई और सारा का सारा चीज यहाँ से वहां जा रहा था। ढाका जो इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी है, कपड़े की फैक्ट्री का सबसे बड़ा मरकज था, वहां के सारे लोगों को यहाँ से वहां मुंतकिल कर दिया गया। जब बर्तानिया बहुत इंडिया में मजबूत हो गया और बर्तानिया ने अपने यहाँ सनत कायम की, तो फिर भी जो बर्तानिया की फैक्ट्री के कपड़े थे उसके यहाँ मकबूल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक जिसको मद्रास का गवर्नर बनाया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, उससे पूछा कि आखिर बर्तानिया में जो कपड़े बन रहे हैं, जो बुने जा रहे हैं, वो इंडिया में या बाहर के मुल्कों में क्यों मकबूल नहीं हो रहे, इंडियन कपड़ा क्यों मकबूल है। तो जवाब दिया गया कि जो इंडियन फैक्ट्री में जो कपड़े बुने जाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और इसलिए उसके सामने ब्रिटिश कंपनी या फैक्ट्री के कपड़े मकबूल नहीं हो सकते। तब इंडियन कपड़ों की फैक्ट्री को तबाह बर्बाद किया गया ताकि ना फैक्ट्री रहेगी ना कपड़े रहेंगे और उसके बाद बर्तानिया के कपड़े दुनिया में मकबूल हुए। तो ये जमीन और आसमान का फर्क है। पृथ्वीराज के बाद जो लोग आए वो इंडिया के होकर के रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया या लाल किला बनाया हो या ताजमहल बनाया हो, सारे यही की मिट्टी में रहे, यही उनकी कब्रें मौजूद है, वो बाहर से नहीं आए थे। उसी दौरान शेरशाह सूरी ने भी हुकूमत बनाई थी, वो यही के इंडियन आर्मी के फर्क थे जिन्होंने हिमायों को भगाने पर मजबूर किया और यहाँ सल्तनत बनाई। तो आप इसको गुलामी से ताबीर नहीं कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के लाए थी, जहांगीर ने उनको इजाजत देने से इनकार किया, 3 साल तक उन्होंने उनके दरबार में चक्कर लगाए और तब जाकर के उनको तिजारत करने की इजाजत मिली और उस दौरान भी उन्होंने बदमाशी की, शरारत की, लेकिन जब औरंगजेब आए शरारत नहीं चली तो 100 साल तक वो खामोश रहे। जब औरंगजेब की वफात हुई 1707 में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंडे को नाफिज करना शुरू किया। बरतानवी शहनशाह ने उनको कहा कि अब तुम कॉलोनियल जंग शुरू करो, नवाजाती कायम करो और दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाओ। और तब यह सिलसिला शुरू हुआ। अंदाजा लगाइए कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो तिजारत के लिए हिंदुस्तान में आई थी, जिसने बिना स्वागत करके इजाजत हासिल की थी, उसने इंडिया के उस 20 करोड़ लोगों को गुलाम बना दिया। माली मदद करें।